फ्रेंड्स, मैं अक्षता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास फोर नई उड़ान बुक का 16 चैप्टर समस्या का हल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और जब हम किसी चैप्टर को पिक्चर से पढ़ते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन और उसकी एक्सरसाइज के आंसर हमें आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि उस चैप्टर को वो चैप्टर हमें अच्छे से लर्न हो जाता है। इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हम टेंशन फ्री भी रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस चैप्टर को स्टोरी की तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस कहानी को सुनने में बहुत मज़ा आता है। और इस कहानी में चार पात्र हैं, राजा, ब्राह्मण का बेटा और ब्राह्मण के बेटे की माँ। और इस कहानी का सीन है एक नगर का जिसमें एक राजा भी है। सो लेट्स स्टार्ट। एक नगर में एक राजा होता है। वह अच्छा आदमी तो होता है लेकिन उसकी मोटी बुद्धि होती है। और एक दिन उस राजा के पास एक ब्राह्मण पुराण की कथा करने के लिए आता है। और जब पुराण की कथा समाप्त होती है तब राजा ब्राह्मण से पूछता है, पंडित जी, आपको तो सब कुछ पता है, तो क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि हमारे ऊपर आसमान है, नीचे धरती, प्रकृति ने तरह तरह के जानवर बनाए हैं और उनमें से कुछ लोग स्वर्ग में और कुछ लोग नरक में कैसे जाते हैं? तो ब्राह्मण ये सवाल सुनकर चकित हो जाता है और वह राजा जी से बोलता है कि राजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? तो राजा उसे एक दिन का समय दे देता है। और ब्राह्मण ये सुनकर चकित हो जाता है कि यदि मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा क्या करेगा। इसलिए वह अगली सुबह ही अपने गांव की ओर भाग जाता है। और फिर जब ये बात राजा को पता चलती है कि ब्राह्मण यहाँ से भाग गया है, तो राजा को लगता है कि ब्राह्मण इसलिए भाग गया है क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर बहुत ही कठिन है। और फिर उस राजा को जो भी मिलता वो सबसे यही प्रश्न का उत्तर पूछता। और फिर धीरे धीरे करके राजा का प्रश्न पूरे नगर के लोगों को पता चल गया। और फिर उस पुराण सुनाने वाले ब्राह्मण का एक बेटा भी हो जाए जो अपनी माँ को हमेशा तंग करता है। और एक दिन जब उसकी माँ चक्की पीस रही थी तब वह अपनी माँ के पास आके बैठ जाता है और उसकी माँ बोलती है, यदि तुम राजा के प्रश्न का उत्तर दे सकते होते तो कितना अच्छा होता। तो वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, समस्या तो हम जैसे गरीबों की होती है, तो इतने बड़े राजा को कैसी समस्या है? तो उसकी माँ बोलती है कि राजा की यही समस्या है कि हमारे ऊपर आसमान होता है, नीचे धरती, धरती में तरह तरह के प्राणी हैं और उनमें से कुछ लोग स्वर्ग में और कुछ लोग नरक में कैसे जाते हैं, यही राजा की समस्या है। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि चक्की का ऊपर का पार्ट उठा के बताती हैं कि ये जो चक्की का ऊपर का पार्ट है ये है आसमान और नीचे का पार्ट धरती है। और ये जो गेहूँ है ये गेहूँ धरती के प्रकृति ने बनाए हैं और उसकी माँ गेहूँ चक्की में पीसते हुए बताती हैं कि ये जो गेहूँ है ये तरह तरह के प्राणी हैं और जो गेहूँ पिस गए हैं वह गेहूँ नरक में है और जो गेहूँ नहीं पिसे हैं, जो जैसे थे वैसे ही हैं, वह स्वर्ग में है। अब उस बच्चे को सारी बात समझ में आ गई। फिर वह राजा के राजमहल में जाता है और फिर जब उसे सैनिक दिखता है तो वह बोलता है कि राजा, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलते। तो वह कहता है उस सैनिक से कि अपने राजा को बोलकर आओ कि मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूँ। फिर जब बुलाते हैं तो वह राजा उसे देखते हैं और बोलते हैं, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम क्या मेरी समस्या को हल करोगे? तो वह बच्चा कहता है कि मैं सिर्फ मौखिक उत्तर नहीं दूंगा बल्कि आपको कर भी बताऊंगा। फिर उसके लिए एक चक्की बुलवाई जाती है और वह चक्की का ऊपर का भाग
हटाकर बोलता है, ये चक्की का ऊपर का भाग आसमान है और नीचे का पार्ट धरती। ये गेहूं तरह तरह के जीव हैं और जो गेहूं पिस गए हैं वह गेहूं नरक में है और जो गेहूं नहीं पिसे हैं जैसे थे वैसे ही हैं वह गेहूं स्वर्ग में है। यह प्रश्न का अब समस्या हल हो जाती है राजा की और इस प्रश्न का उत्तर सुन इस तरह से राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। वह राजा बहुत खुश होता है और उस बच्चे को हीरे मोती देता है और पुरस्कार भी देता है और वह बच्चा भी हीरे मोती पाकर बहुत खुश होता है। इस तरह से हमारा चैप्टर समस्या का हल यही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 चैप्टर रबड़ की आत्मकथा। इस तरह से आपको मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन में क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।